प्यारे बच्चों, हम आप एक्सरसाइज 10.1 करा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन। आप एक लाइन ड्रा करनी आ, से ए बी, मतलब कि जी लाइन ड्रा करनी आप कह सकते हैं ए बी का नाम रख सकते हैं। ठीक है, टेक ए पॉइंट सी। हाँ जी, फिर कहता वा आउटसाइड इट, कहता तुम एक पॉइंट सी लेना वा आउटसाइड इट। इट मतलब कि ए बी तो बार। ठीक है, हाँ जी, जो पॉइंट लेना वो तुसी कितने भी ले सकते हैं। हाँ जी, थ्रू सी। हाँ जी बच्चों, सी दे विचों की करना वा ड्रा ए लाइन पैरलर टू ए बी। फिर तुसी जड़ा तुसी बार सी पॉइंट लिया वो एक तुसी की करनी आ लाइन ड्रा करनी है। ये चो ड्रा ए लाइन पैरलर किस तरह की करनी आ जड़ी के ए बी दे पैरलर हो गई। हाँ जी बच्चों, फिर क्या यूसिंग रूलर एंड कंपस ओनली। हाँ जी बच्चों, तुसी उन्हें क्या वा से सिर्फ तुसी मतलब कि स्केल वरतना वा फुटा वरतना है ते प्रकार ही वरतनी हैगी। ठीक है, हाँ जी, क्योंकि आपा जिता एंगल बनाने की लोड़ पवे तो आपा प्रोडक्ट ना भी बना सकते हैं ना, पर नहीं उन्हें क्या वा कि तुसी प्रकार दे नाल ही बनानी हैगी। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आएगी सारे बच्चों। हाँ जी बच्चों, जिस तरह मैं एग्जाम्पल तुहानू करवाई आ सेम उस तरह ही आ, सिर्फ ना ही चेंज होने आ, सारी डायग्राम सेम उस तरह की है। ठीक है, हाँ जी बच्चों, देखो अपन की क्या ही ड्रा ए लाइन। अपन लाइन ले ली आ, इस गल का ध्यान रखो कि जिहड़ी लाइन हुंदी आ उन्हां दे दोनों साइडां ते एरो पैने हुंदे आ। जे एरो नहीं पावांगे तो लाइन सैगमेंट बन जूगी जिहड़ी कि अपनी स्टार्ट ते ही गलत हुई। ठीक है, इस कोलों तुसी एरो पाओगे तो ता ही फिर सही होगी। फस्ट स्टैप की समझ आ गई ना। हाँ जी, फिर इस तरह मैं तुहानू शो करके दिखाउणी हैगी आ। हाँ जी बच्चों, उस तो बाद की उन्हें कहा कि तुसी आउटसाइड ते एक सी पॉइंट लेना वा। ठीक है, आपां कितें भी लै सकते, इत्थे भी लै सकते, इत्थे भी लै सकते, इधर भी लै सकते आ, इधर भी लै सकते, जिथे मर्जी तुसी सी पॉइंट ड्रा कर लो। मैं तुहानू एग्जाम्पल कराई है, मैं इस कोलो सेम उस तरह कराऊगी कि तुहानू मतलब तुसी डबल माइंडड ना हो सको। ठीक है, इत्थे मैं पॉइंट ले लिया। ठीक है, हाँ जी, इहदा नाम की रखता वा सी। ठीक है, हाँ जी बच्चे, जिस तरह आप डायग्राम बनाते जावे उस तरह आप पॉइंट लिखते जावे। ठीक है, नालों नाल ही पॉइंट लिखने हैं, पहला पॉइंट भी नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, तो जे तुसी नालों नाल लिखोगे तो उहदे नाल तुहाडी जिहड़ी पॉइंट आ सही लिखे जाएंगे। हाँ जी बच्चे, देख रहे जो आप लिया टेक ए लाइन ए बी पहला ली सी एंड ए पॉइंट सी। ठीक है, सी लिया आउटसाइड ए बी ते एनी वेयर इन द प्लेन। हाँ जी, मतलब किसी जगह पर भी आपां सी पॉइंट ले लिया। ठीक है, सैकेंड च मैं की किया टेक एनी पॉइंट डी। ठीक है, हाँ जी, मैं कोई पॉइंट डी लिया ऑन ए बी ते एंड जॉइंट सी डी, तो फिर आपां की करना वा सी डी नू जॉइन कर देना है। ठीक है, सैकेंड आपां ए काम करना है। हाँ बच्चों, देखो मैं इत्थे की लिया डी। डी किते भी तुसी पॉइंट लै सकते जो। ठीक है, और लेना पर ए बी दे उपर ही है। आ गई समझ सारे नू? हाँ जी, फिर मैं सैकेंड पॉइंट की क्या ही इनू तुसी की करना वा जॉइन कर देना सी ते डी नू। हाँ जी बच्चों, मेरे नाल नाल डायग्राम बनानी है जिस तरह मैं बना रही हाँ ता कि तुहानू वधिया समझ आ सके। हाँ जी, इन्ना क्लीयर हो गया ना आपां नू? हाँ जी, नैक्सट हुण आपां की करना है वा। ठीक है, नैक्सट आपां करांगे थर्ड पॉइंट की करांगे कि डी। हाँ जी बच्चों, डी एड एक ध्यान रखो जी ए प्रकार ते पेंसिल ते जी टिप हुंदी आ इन्हां नू इक्वल रखना हुंदा है। ठीक है, हो सके तो पेंसिल का साइज इन्ना कु होवे फिर ज़्यादा बैटर बनती है। मेरे को इस वक्त यो पेंसिल सी तो मैं यो यूज कर ली है। ठीक है, तुसी कोशिश करो कि एडी पेंसिल होवे। ठीक है, इन्नी। हाँ जी, डी ते आपां रखिया प्रकार नूं आपां कितें रखी आ डी ते, तो डी डी नूं सेंटर मन्निया। ठीक है, तो हुण जिहड़ी प्रकार आपां खोलनी आ ये प्रकार तुसी इन्नी भी खोल सकते आ इन्नी क भी खोल सकते आ, पर आपां खोलनी आ जिहड़ी मतलब कि सही होवे, ना बहुती वड्डी होवे ते ना बहुती छोटी होवे। ठीक है, जिहदे नाल आपां आसानी नाल डायग्राम बना सकते होईए।
बाद ये ना कि साढ़े को मिनती ना हो इन्नी को मैं खोल दी है। ठीक बच्चों, ठीक है। हाँ जी, जिथे इतने क्या गया कि उन्हें की क्या वा कि विद डी जे सेंटर, ठीक है, डी सेंटर लिया वा तो एक आर्क लिया है, कटिंग जड़ी ए बी नू किते कटूगी ई ते सी डी नू किते कटूगी एफ ते। आप अपने कोलों ही नार लैने गया, ठीक है, इतने आप कोई ना भी लै सकते पर जेड़े उन्हें आप कहे ना भी लाइन ए बी लैनी वो आप उ लवेंगे, पॉइंट बार कि लैना वा आप उ लवेंगे, ठीक है, तो लाइन के उपर कि पॉइंट लैना उ लवेंगे, बाकी तुसी अपनी मर्जी ने जेड़े पॉइंट मर्जी लै सकते हो। हाँ जी बच्चों, इन्ने आ गए। हाँ जी, हूँ मेन इन आप लिखती रूप से दसागे। हाँ जी बच्चे, विद सें विद डी एज ए सेंटर एंड कन्वीनियंट रेड स्टार एंड आर कटिंग ए बी ई एंड सी डी एट एफ, यो लिखता ना आप। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, हूँ आप करना है वा भी जो प्रोसीजर आप इधर किया वा, मतलब कि जिन्ने का एंगल आप इधर बनाया वा, उन जिन्ने का एंगल आप डी ते बनाया उन्ने का ही एंगल आप सी ते ड्रा करना वा। ठीक है, वेखो वैसे तो प्रोटैक्टर ना सौखा सी करना ड्रा एक कुछ नहीं आएगा, लेकिन उन्होंने कहा प्रोटैक्टर नहीं यूज़ करना, फिर अपन किस तरह पता लगेगा, क्योंकि उदा तो अपन पता ही नहीं किन्ने एंगल आ। आप करा इन इतों तक वेख लेना वा भी प्रकार किन्नी ओपन हुई है। ठीक है, उन्नी प्रकार की चुक के ओपन इधर कर देनी है, इतने रख देनी है। ठीक बच्चों, और इस तरह ता एक आर्क लग जूगी। ठीक है, हाँ जी लग गई बच्चों। हाँ, जिन्नी प्रकार इतने खोली है उन्नी ही उत्थे खोलनी है। ठीक है, हाँ जी, हूँ वेखो इहदा मैं नाँ की रख सकती आ, देखो मैं क्या नाउ विद विद सी जे सेंटर एंड सेम रेडियस, ठीक है, एज इन फिगर जिहड़ी तुसी स्टेप नंबर तीन च यूज़ किया। ठीक है, ड्रा एन आर्क जी एच। हाँ जी बच्चों, हूँ जी जी एच आ कटिंग कितने करूगी सी डी एट आई ते। हाँ जी बच्चों, आप इतने आर्क ला लीए, ठीक है, इतने रख के आर्क लावे। ठीक है, मिली आप। हाँ जी बच्चे, जी आर्क आ वाली आर्क, ठीक है, यह जी आर्क ढड़ी उपर भी जा सकती है थले भी आ सकती है तो ये इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, इस गलो तुसी की करना है वा कि ये टेंशन नहीं लैनी कि मेरी आर्क कितने जाती मैडम कितने, तुसी की किता वा सब तो पहला कि इन्नी प्रकार खोली है। ठीक है, तो आ तुसी लगाती है जिहड़ी आ चीज़ हैगी ना। ठीक है, ये की करना है तुसी आर्क लगा देने भावें तुसी इन्नू वध घट भी कर सकते जो वो कोई गल नहीं हैगी। ठीक है, जे तुसी कहोगे क्योंकि ऐ इहदे इक्वल ही आया नहीं, तुसी वध घट भी इन्नू कर सकते जो इत्थे। ठीक है, हाँ जी, इत्थे कट्टी ना। ठीक बच्चो, हाँ जी, हूँ वेखना आप कि आ किन्नी आर्क सी। हाँ जी बच्चो, फिर मैं कहता आ आर्क लाई आ, इतने तुम प्रकार वध घट कर सकते हो, लेकिन जी हूँ तो आर्क ला जा रहे जो वो पूरी इन्नी ही एक्यूरेट होनी चाहिए है, इतने रखी इतने रखती। ठीक है, हाँ जी बच्चो, जी तुम पहली रखी ही इन्हों का ना आप की रख सकते हैं जी और एच पहली का जी हूँ आर्क लग। ठीक है, ये रखा गया। ठीक है, तो ये इन्हें कितने कटिया सी डी ने कितने कटिया आई ते सारे दे ना रखने। ठीक बच्चो, हाँ जी बच्चो, एक तुम मैं इतने गल दसदा कि जे तुहाडे को ना नहीं भी रखे जाते जे ना रखे तो कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। ठीक है, जे तुहानू ना रखन च प्रॉब्लम आउंदी पई आ तो तुसी उदा ही लिख दिओ भी ए जिहड़ा एंगल आ ए एंगल दे मतलब डी ई एफ जिहड़ा एंगल आ वो मतलब कि इस एंगल दे इक्वल आ जिहड़ा भी इहदा नाम बनूगा। ठीक है, हाँ जी, सिंपल फिर लिख सकते जी। हाँ जी बच्चो,
हूँ तुम की करना है एड पॉइंट तो एड यार का ए बिल्कुल पैरलर ही होगी। ठीक है, हाँ जी हाँ जी बच्चे, बाकी आज जो तुम आर्क नाम ही लाओगे तो कोई गल भी नहीं। ठीक है, आ आर्क जरूरी होनी चाहिए है। ठीक है, क्योंकि अपना एंगल इतने ही बनना है। हूँ आप मीट करांगे। हाँ जी बच्चे, पहला यदि मैं तुम दसता, हाँ जी बच्चे मैं की किया नाउ विद सेंटर सी ए सेंटर एंड द सेम रेडियस इन स्टेप थ्री ड्रा इन आर्क जी एच। जी एच आर्क आ गई ना, एच चंगी तरह कर देने आप। एच कटिंग सी डी कितने कट कर कर दिया आई ते। ठीक बच्चो, हाँ जी हम नैक्सट आप बहने की करना। हाँ बच्चे हम आप पास कर देंगे। ठीक है, हाँ जी बच्चो, एड मैं लाइन ड्रा की है, ये तुम इतों तक भी बढ़ा सकते हो तो छोटी भी कर सकते हो, वो कोई गल नहीं। पैरलर लाइन ये जरूरी नहीं होंगे कि इन दी लेंथ इक्वल हो, पैरलर लाइन होंगे कि इन का हर जगह पर डिस्टेंस इक्वल हो। हाँ जी बच्चो, आप इतने एरो पाते, क्योंकि जिते लाइन शब्द आ उत्थे एरो पैने। हाँ जी बच्चो, कई बार तो सानू दस्या होंदा वा कि इहदा नाम आपां भी दस्या होंदा भी इहदा नाम की आ। ठीक है, पर इत्थे आपां नूं नाम नहीं दस्या, अहीं अपने कोल ही एम रख सकते आ। इहदा मतलब की होया कि ए बी जिहड़ी आ उह एम लाइन दे पैरलर आ। ठीक बच्चो, हुण आपां लिखती रूप च दसांगे। हाँ बच्चो, फिफ्थ स्टैप प्लेस द पॉइंट टिप ऑफ द कंपासिस एट ई टी एंड एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट पेंसिल टिप इज एट डी। ठीक है, सॉरी बच्चो, इतने डी नहीं होना, इतने होना एफ एफ। ठीक है, हाँ जी मतलब कि ई तो आप रखी सी प्रकार ते एफ तक आप ओपन की थी। ठीक है, विद द सेम ओपनिंग एज इन स्टेप फाइव एफ फाइव स्टेप। ठीक है, विद आई एज सेंटर ड्रा एंड कटिंग द आर्क जी एच एट एम। बच्चे ए तुसी देख रहे जो ना जी एच न मतलब कितने कटिया वा एम ते, यो आप लिखा सी। ठीक है, हूँ अगले स्टैप की करना, आप एम ते सीन भी कर देना, ज्वाइन कर देना। ठीक है, और तुसी इधरों भी इनू मतलब एक लाइन में बढ़ा दो, इधरों तो लाइन में बढ़ा सकते जो। ठीक है, हाँ जी बच्चे, तुसी की वेखते जो कि जिन्ना एंगल ए वा उन्ना ही एंगल ए वा। ठीक है, यह एंगलों बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। की बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कहने का भाव कि एंगल सी डी ई। ठीक है, किहदे इक्वल आ एंगल डी सी एम दे इक्वल। ठीक है, हाँ जी जो ये किहड़े एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए तो लाइन जीडिया की होगी पैरलर हो। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ गई ना। हाँ जी बच्चे, इस तरह ही आप लिखे नाउ ज्वाइन सी एम टू ड्रा ए लाइन एम। ठीक है, एंड सी डी ई एंड डी सी एम आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ, सो ए बी लाइन जी पैरलर आ एम। ठीक है, कहने का भाव बच्चे जिस तरह आप डायग्राम बनाई उस तरह स्टैप सारे आप लिख देंगे। ठीक है, हाँ जी प्यारे बच्चो, तुहानू जे बना लगे कित भी प्रॉब्लम लगे तो तुम स्टैप बाय स्टैप पढ़ी चलो तो उस हिसाब ना ही जी डायग्राम ड्रा करी चलो। मैथड तो यही होंदा भी जिस तरह तुम बनाया वा उस तरह ही लिखो, पर चलो तुम बच्चे जो तुहानू हाले प्रैक्टिस की लोड़ हैगी आ। इस कोलों तुसी बनाउंदे तुसी इहनू रीड एक वारी कर सकते हो कि पहला स्टैप की लिया, फिर वह चीज़ ड्रा कर देनी है, फिर दूजे स्टैप की काम किया,
फिर वो चीज़ आप ड्रा कर देनी है। ठीक है, हाँ जी, मैं आस है कि तुम समझ आ ही गई होगी प्यार बच्चों, क्योंकि ये चीज़ आप एग्जाम्पल के तौर पर भी की है और एक्सरसाइज 10.1 भी यह सम आप कर लिया। ठीक है, हाँ जी प्यार बच्चों, मेरे चैनल शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करो जी।